सेकंड पेपर है मैम प्लीज ले लो, दो मिनट और बची है प्लीज। एक बार बोल दो प्लीज, एक बार सोचना प्लीज मैम, दो ये सच में सर प्लीज खोल दो ना। बहुत देर से मना कर रहे हैं प्लीज खोल दो सर, सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज खोलो सर, प्लीज खोलो दो ना मैम, सर सर प्लीज खोलो सर, दो ये प्लीज खोल दो ना सर, प्लीज दो ये लड़की है सर, प्लीज दो ये खोल दो ना प्लीज सर, सर सर प्लीज सर, प्लीज सर दो ये खोल दो ना प्लीज सर, सर दो ये प्लीज सर, प्लीज खोल दो सर, सर प्लीज कोई निरीक्षण में गेट ही है सर, प्लीज तो ये झूठी बोल रहे, प्लीज सर खुलवा दो जी, एक बार चले एक बार इंद्र जी, हो गया 9:30 का टाइम, 10 बजे पेपर चालू हो गया, क्या मतलब मेरा एक मिनट रिक्वेस्ट करने दो, क्या पता खुल जाए अंकल, क्या खुल जाएगा 10 बज रहे हैं अंकल जी, 9:30 का टाइम प्लीज, हम दो ये झूठ नहीं बोल रहे प्लीज अंकल, मार जोड़ दो, फिर से चलो उधर, हुआ चलो मैम प्लीज कॉल दो, आप फिलिंग से जारी कर रहे हैं प्लीज, दो वो तो आपका ठोकना से टाइम पर आना चाहिए था, कसम पे भगवान कसम दो ये ब्रो, फिर आते रहेंगे आप लोग, लापरवाही टाइम जाना चाहिए ना, एक परीक्षा की कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे होते तो यहाँ पर प्लीज सौ मीटर आगे जा रखे हो जो फिर वापिस आए अपने गेट के लोग ला, चलो जाता नहीं, बस मैं लोक लगा रहा जाता नहीं, पर ऐसा मैं एकदम फिक्स टाइम पर पहुंच रहा, ताकि उस साइड से ले रहे हैं उधर जाओ, फिर इधर आए तो इधर ही लोक लग गया था, नहीं आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पे,
हम सर यहाँ पे 2-4 मिनट पहले आ गए, लगभग 5 मिनट हो गए, भैया ने बोला था ये 9:25 पे आए थे हमें यहाँ पे, 7 मिनट शेष है इस गेट पे आए थे ना, तब इधर वालों ने बोला कि उस गेट पे जाओ, उधर गए ना तो फिर उधर वाले ने इधर भेज दिया, फिर वो बोल रहे हैं उधर से बढ़ेंगे, उधर गए तो वापस ताला लगा दिया। फिर हमने यहाँ पर बाइक थामी थी, टाइम पूछा था भैया को, बोले कि अभी 5-7 मिनट शेष है, उधर गए यहाँ पर आए तो गए उधर से ले रहे हैं, उधर गए तो लॉक कर दिया उन्होंने, ये कौन सी बात हुई, नहीं था जाने दे रहे सर, ये पेपर 10 बजे देना था, हम आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी नहीं मानती है। दूर करवा देना, आधी घंटा हो गया सर, 5 मिनट पहले आ गए थे, एक तो उधर भेजते हैं कभी उधर चलते हैं कभी इधर भेजते हैं, उस गेट से जाओ कभी इधर गेट से आओ, अब आपको कोई नहीं बढ़ेगा। चलो भाई लोग दूर चलो दूर हो गया, तो क्या छोड़ दो आप ही जाओ भैया, चलिए भैया चलिए आप। लम्मी गल रही है कल्पना पर चली नहीं बोल दिया हमने, बोल दिया सबको, बोल दिया हमें आपके है भी ना बोल दिया, लेकिन वो भी बोल रहे कि नहीं दे टाइम दे रहे, लेकिन अंदर नहीं ले सकते वो टाइम, आप ज्यादा नहीं 2-4 मिनट ही लेट हो गए, 2-4 मिनट से 2-4 मिनट सर इस गेट पे लेट हुए थे, उस गेट पे नहीं थे, अगर पहले इस गेट पे ले लेते तो हम लेट नहीं होते सर, उधर वाले थे इधर में आए, इतने में टाइम हो गया, सही बात है बेटा आपकी, पर आप गेट से मत निकलो, भाई साहब 9 बजे आया, 9 बजे यार खड़े आया जाए, बोले बोले अभी गेट से एंट्री उसी भी गेट पर जाकर खड़े आया, बट सिपाही बोले बोले यहाँ खड़े मतलब 100 मीटर दूर चले जाओ, 100 मीटर दूर चलेगा फिर अब 9:35 होगी लगभग, तब मैं देखियो अब तक एंट्री किया कोई नहीं, मैं गेट के ऊपर आया बोले गेट बंद हो, जब बच्चा 100 मीटर दूर ही खड़े खड़े आना फिर बाद में बैठे गेट गेट बनाए, बाकायदा चाहिए कॉलेज का CCTV चेक करवा लो, 9 बजे यहाँ आके उतरा था मैंने, तो पहले इन्होंने कहा उस गेट से एंट्री होगी, तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए, उस गेट से थोड़ा सा आगे गाड़ी खड़ी थी उसके पास खड़े हो गए, फिर वो एक गाड़ी आई अनाउंस करते हुए, उसने बोला कि 100 मीटर दूर चले जाओ यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा आगे चले गए, यहीं की एक बार से रुको मेहमान बात कर रहा हूँ, भाई साहब पहले हम 9 बजे आए थे यहाँ पे उतरा, तो उन्होंने कहा कि आगे वाले गेट के ऊपर चले गए, फिर हम आगे वाले गेट के पास एक गाड़ी खड़ी थी उसके पास जाके खड़े हो गए, तो फिर ये गाड़ी आई तो उन्होंने कहा कि 100 मीटर दूर जाके खड़े हो जाओ, तो मैं वो आगे जो एस की बुलेट का गेट है एस के स्कूल का वहाँ जाके खड़ा हो गया, फिर हम यहाँ आए बच्चे नहीं थे कि 9:35 मैंने मोबाइल में टाइम देखा, तो मैंने देखा अब तक घुसाया क्यों नहीं अंदर, तब मैं यहाँ गेट पर आया तो बोला बोले गेट बंद हो गए, भाई साहब 9 बजे आगे खड़ा होता चाहे आप CCTV फुटेज चेक कर लो, सब गाड़ी बोले बोले मैं अंदर जाके आ रहा हूँ एक बार बैठो, होने के बाद में कोई सिस्टम नहीं है, कैसे बैठने का ये खुद जान रखे भैया, पहला पेपर नहीं दे रहे
ये हमने डेट को तो क्या अगले पेपर का पता होता होगा ना। चल तो रख रहे हो।